अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनान चांडी है। मैं केसर विंग को रिप्रेजेंट करता हूँ ऑल ओवर पाकिस्तान के अंदर। मेरा नाम मोहम्मद ताज, मैं 24 से ताल्लुक़ रखता हूँ बल्दिया टाउन। मेरी एकेडमी का नाम मुआ टाइगर मिक्स मार्शल आर्ट्स। बचपन से मैं लाइक मतलब देखते हुए आ रहा हूँ कजन्स को, चाचू को, जमील चाहे चांडियो को, जो यहाँ के ओनर हैं। तो मेरी लाइक जो प्रॉपर मैं आया K7 के अंदर, वो मैं आया 2015 में। 2016 में मैंने पहली फाइट की थी, उसके बाद फिर अब तक मैं अलहमदुल्ला फाइट्स कर रहा हूँ। लेकिन मेरा बीच में अपना गैप आ गया था, मेरा हाथ लाइक मतलब डिसलोकेट हो गया था फाइट के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर। तो उसके बाद फिर मैंने 4 साल के बाद अब वापसी जाके वर्क की है फाइट रिंग के अंदर। मुझे काफ़ी मतलब मायूसी थी कि यार मैं क्यों नहीं कर पा रहा। सोच रहा था मैं बहुत ज़्यादा कि यार मैं क्यों नहीं कर पा रहा, कब मेरा हाथ ठीक होगा। इलाज मैंने बहुत करवाया इसका, बहुत इलाज करवाया, फिर एक टाइम आ गया कि मेरी मतलब बस हो गई। मैंने कहा अब हाथ जो भी हो फाइट करनी ही करनी है। सर जी, मैं तो एक दीनी मदारिस से ताल्लुक़ रखता हूँ, क्योंकि मदरसे में टाइम तो बहुत कम मिलते हैं, लेकिन शौक़ तो बहुत बचपन से था। लेकिन जब मैंने एकेडमी ज्वाइन की 2020 से, सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नेशनल फ़ाइट की क्वेटा में, उसमें 3 फाइटें थी। पंजाब का प्लेयर था, पहली फ़ाइट उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी टफ टाइम दिया। फिर दूसरी फ़ाइट बल्तिस्तान से उसका ताल्लुक था, उसके साथ फ़ाइट थी। उसके बाद तीसरी फ़ाइट थी, उसके पॉइंट ज़्यादा थे उसकी वजह से थोड़ा सा, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। ले खेलते गया खेलते गया, अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर चैम्पियन था, नेशनल चैम्पियन, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड पोजीशन ले, उसमें भी टफ टाइम दिया, खिलाड़ी को भी टफ टाइम दिया और अच्छा खेला। ये तो उस्ताद का मेहनत होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमको ऐसे उस्ताद दिए जैसे दोस्त भी है, भाई भी है, वालिद की जगह भी है। उस हम उस्ताद का शुक्रिया अदा उस पर करते हैं। उसमें उस्ताद की मेहनत भी होती है, शागिर्द की मेहनत भी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा वो उस्ताद की मेहनत होती है। मैंने ट्रेनिंग अपनी 2 महीने पहले स्टार्ट की थी। लाइक मुझे नहीं पता था कि मेरा फाइटर कौन है कौन नहीं है, लेकिन मेरी ट्रेनिंग इतनी अच्छी थी कि मतलब जो आएगा मैं उसको उड़ा दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा जो अपना फाइटर था ये था वाइट टाइगर क्लब से मोहम्मद ताज। हनान चांडियों के साथ मेरा वेट फिक्स हुआ, लेकिन वेट में ज़्यादा भी था अल्हम्दुलिल्लाह। वब से फिर मैं ट्रेनिंग शुरू की, टॉप ट्रेनिंग की अल्हम्दुलिल्लाह। दिन रात को नहीं देखा, असर में भी खेलते थे, ईशा 11 बजे तक टाइम देते थे अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें भी अच्छी ट्रेनिंग की, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह वो फाइटर ऐसे फाइटर था। उसके बावजूद उस फाइटर ने 3-4 लड़कों से पूछा भी था मेरे हवाले से। तो जब आया था फेस ऑफ के टाइम, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफी मेरा कॉन्फिडेंस के अंदर था अपने, और मैंने लाइक मेरा फेस ऑफ यार जगह देखा होगा आप लोगों ने, मैंने लाइक लगाई पोस्ट अपनी। सर जी, जब शुरू में हम नीचे पेडिंग कर रहे थे, उसमें भी जब प्लेयर एक दूसरे को देखते हैं घबराते हैं, लेकिन उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पेडिंग कर रहा था। हनान चाड़ियों तो 2-3 बार सामने आया, दरवाजों को देख रहा था कि प्लेयर किधर भागा हुआ नहीं। अक्सर प्लेयर होते भाग जाते हैं। फाइट से पहले मैं थोड़ा लाइक नर्वस था, कुछ टाइम पहले नर्वस था कि मतलब फाइट है यार, 4 साल बाद जा रहा हूँ रिंग के अंदर, तो थोड़ा था। लेकिन जब मैं वॉकिंग एरिया पे आया फाइट के, तो अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस के अंदर था, रिंग के अंदर काम था, बहुत बहुत काम हो गया। लाइक मैंने फाइट की, जब रिंग की तरफ जा रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इंसान डरता अल्लाह से, लेकिन फिर भी डर दिल में नहीं था ना खौफ था। फाइट स्टार्ट हुई तो वो मेरे ऊपर आया बैक किक के साथ, तो मैंने अपने गार्ड पर कर लिए थे, उसने 1-2 पंच मारे, मैं लाइक अपना दूर हो गया, बिल्कुल परफेक्ट लगा था कि वो बिल्कुल डाउन हो गया। लेकिन वो माशाल्लाह उसने भी ट्रेनिंग की थी। हर प्लेयर का अपने ऊपर भरोसा होता है, जैसे मेरा अपने ऊपर भरोसा था, उसने भी अपने ऊपर भरोसा एक बनाया था कि मैं अगले फाइटर के साथ फाइट खेल रहा हूँ। गेम प्लान मैंने ऐसा रखा था कि वो अंदर आएगा तो लेकिन मतलब दूर रहना उससे, तो मैंने उसको इतना अटैक करने नहीं दिया अपने आप को, और मेरा अटैकिंग गेम था ज़्यादातर, मैं उसके ऊपर था 3 राउंड तक, अटैकिंग गेम मैंने रखा हुआ था उसके ऊपर। जब उसने पहला राउंड मैंने खेला, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हिसाब ये पॉइंटों का हमको पता नहीं चला कि पॉइंट किसके ज़्यादा थे किसके ज़्यादा नहीं थे। फिर जब मैंने उसको टीप मारी, किक फ्रंट किक मारी, तो अपना नीचे लग गया। उसने जब मुझे किक मारा, उस किक में मेरे से थोड़ा सा प्रेशर मेरे ऊपर ज्यादा हो गया, और जब वो गिरा तो मेरा वहाँ से लाइक कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा ऊपर हो गया था कि यार आई एम ओके। लाइक थर्ड राउंड स्टार्ट हुआ और मैं उसके अंदर गया, मैंने अटैकिंग रखी, अटैकिंग रखी, नी शॉट उसको लगा मेरा बॉडी पे, बैठ गया था वो नी के बल। फिर मिला, फिर उसको लाइक रेफरी ने बुलाया आगे चेक करने के लिए। अच्छा।
इंसान हार जाते या जीत जाते हो तो हम जहन में नहीं बिठाते, क्योंकि गेम है हमारा, गेम ऐसे ही है कि हम उसमें हार जीत को नहीं देखते। लाइक 4 साल के बाद में रिंग में आया और जब मैंने लाइक फाइट विन की तो एक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मैंने खुशी थी कि यार मैं 4 साल के बाद आया और मैं अपना टीक्यू किया, और एक लाइक अलग ही लाइक मूवमेंट था मेरे लिए, बहुत अच्छा मूवमेंट था।